सेंट सीएफ एंड्रयूज स्कूल की बलकेश्वर शाखा में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। इसी क्रम में बच्चों द्वारा मंच पर सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इसके बाद बच्चों को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र दिए गए, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमडी शिवांजल शर्मा उपस्थित रहे। सेंट सीएफ एंड्रयूज स्कूल की बलकेश्वर शाखा में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र दिए गए, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद बच्चों ने मंच पर सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सभी ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अभिभावकों ने स्कूल के इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एमडी शिवांजल शर्मा ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चों के साथ माता पिता को अपना अमूल्य समय देना चाहिए। आज सीएफ एंड्रयूज स्कूल बलकेश्वर में यूकेजी के बच्चों का ग्रेजुएशन सेरेमनी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेरेमनी थी आज की, ये जहाँ पे जो यूकेजी के बच्चे हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं आगे जाने के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए। अब उनकी जो जर्नी है एजुकेशन की वो स्टार्ट हो रही है। अभी तक पढ़ाई विद एक्टिविटीज़ थी, अब पढ़ाई उसमें और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसी के लिए इन बच्चों को प्रिपेयर करा गया है। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था ये देखना कि यूकेजी के इतने छोटे छोटे बच्चे, जिस एज में बच्चे बैठना सीख रहे होते हैं क्लास में, उस एज में बच्चे यहाँ पे स्टेज पे इंग्लिश में इतने अच्छी स्पीच देकर गए हैं, इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं और उसी के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं यूकेजी के बच्चों ने, जिसको देखना बहुत ही रोचक रहा है। आज के कार्यक्रम में लगभग 100 बच्चों को ग्रेजुएट किया गया। स्कूल की एमडी ओशन शर्मा ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चों का पहला स्कूल उनके माँ बाप होते हैं। जो संस्कार हम बच्चों को देते हैं वही हमें आगे देखने को मिलते हैं। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुई। आज सीएफ एंड्रयूज स्कूल बलकेश्वर में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया एंड इसमें 90 स्टूडेंट्स को हमने किंडरगार्टन से ग्रेजुएट किया है, जो कि बहुत जल्द अब स्कूल के प्राइमरी विंग में ज्वाइन करेंगे ये बच्चे। देवर डांसेस, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस एंड फेलिसिटेशन ऑफ ऑल द ग्रेजुएट्स दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड टुडे। और पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा टर्नअप पेरेंट्स का हुआ। इससे पता चलता है कि वो अपने बच्चों को लेकर के कितने जागरूक हैं और अपनी जिम्मेदारियों में कितनी तरह कितनी अच्छे से निपुण हैं इन चीज़ों को निभाने के लिए। और मैं सभी अभिभावकों को, स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान बच्चों के साथ अभिभावकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब बच्चों को सम्मान मिल रहा था तो वह इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे और खुद उत्साहित भी हो रहे थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों को अब अपने आने वाले जिम्मेदारी का एहसास हो सके। आज हमारे यहाँ सीएफ एंड्रयूज स्कूल में बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आज हमारे यहाँ 90 बच्चे यूकेजी क्लास के ग्रेजुएट्स हुए हैं एंड दे आर स्टेपिंग टुवर्ड्स क्लास 1। तो उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया है, क्योंकि 3 साल उन्होंने किंडरगार्टन में बिताए हैं एंड नाउ दे आर गोइंग टू द प्राइमरी विंग ऑफ द स्कूल। बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह था, प्लस पेरेंट्स भी उनके साथ डबल खुश थे, क्योंकि उनके बच्चे एक प्ले ग्रुप को छोड़ के अब एक सीनियर स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर स्कूल के समस्त स्टाफ ने कड़ी मेहनत की, जो कि इस कार्यक्रम में नजर आई। सभी ने एक दूसरे को बधाई देते हुए एक कदम और आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल रुचि तंबर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट।